important area, and this is summary, explanation, analysis, right? In this poem, Kamala Das finds her mother at the ripe age of 66 while accompanying her on a thought-provoking drive. The poet mentions that her mother is sitting beside her, okay? Instantly creating an aura. She creates an aura of intimacy. Yani maa bilkul saath baithi hui hai, gaadi mein kahin ja rahi hai. To bada hi ek close relation ka, ek bada jazbaati kisam ka ek jo relation hai, wo ek situation ko create kiya gaya hai. Then Kamala Das paints a very realistic image of aging. To wahan pe wo umr ka guzarna uska bada zabardast wo image wo samne laati hai by portraying her mother as a dozing lady. To bilkul ऊँगे उसको आती है उसकी माँ को, तो वो डोजिंग लेडी की एक पिक्चर हमारे सामने आती है विद माउथ ओपन इन केयरफ्रीसली, मुंह खुला हुआ है तो हिचको खाते हुए इधर उधर डोलती रहती है. एंड फेस टर्नड फेल इन कोर्स ऑफ द पासिंग ऑफ द टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ उसके चेहरे की वो जरद रंगत. द पोइट कंपेयर्स हर डोजिंग पेल्ड मदर टू अ कॉर्प्स. तो फिर वो अपनी माँ की इस सूरत को एक मुर्दा जिस्म के साथ उसको कंपेयर करती है कमला दास की. दिस इज हाउ हर मदर लुक्स नाउ. बट बिफोर द पोइट कुड इवन कंप्लीट दिस पेनफुल ट्रेन ऑफ थॉट, ये जो एक सिलसिला ख्यालों का उसके दिमाग में आता है कि वो भी आगे वो कुछ और सोचती, शी ब्रशेज इट असाइड. वो इसको दिमाग से निकाल के नॉट अलाउइंग दिस रियलाइजेशन टू गेट प्रोसेस, इससे वो अपने आप को पेनफुल टॉर्मेंट नहीं करना चाहती, वो स्टॉप करती है इस ट्रेन ऑफ थॉट को. तो फिर इन एन अटेम्प्ट टू एस्केप द पेनफुल रियलाइजेशन कि इससे जो दुख उसको लगता है उस माँ को देख के, तो उसको नहीं चाहती है कंटिन्यू इस सिचुएशन में रहना. शी इंस्टेड focuses on the trees that her car speeds by. तो वो बाहर खिड़की से बाहर देखती है, तो वहाँ पे fast moving trees की तरफ उसकी नज़र पड़ती है, creating the beautiful illusion. तो ऐसा लगता है that it is the trees that are surrounding. तो ऐसे present करती है जैसे दरख्त बागे जा रहे हैं. But actually what is the truth, the irony of the fact ये है कि actually the poet journeying ahead in life with her aging mother. तो कंसेप्ट ये आ रहा है कि वो भी इसी तरह इसी एज पे एक दिन उसको भी लाइफ की इस जर्नी में इसी एज पे पहुंचना है जहाँ आज उसकी माँ है. तो वो चीज़ हमें समझ आती है. नेक्स्ट द पॉइंट शिफ्ट्स फोकस ऑन द यंग चिल्ड्रन. तो फिर उसके बाद वो अपना फोकस फिर चेंज करती है ट्रीज को छोड़ के, वो छोटे छोटे बच्चों को घर से निकलते हुए, शी लुक्स एट द चिल्ड्रन jovially stepping out of their homes in hordes to play, to go to their school with their life bank subtle full of youthful years. Unke paas bahut sare saal, but it is again deeply or implied or implicit meaning yahan pe yahi hai ki ye hai hamari jo beginning hai life ki, ye bachon ki tarah. Ultimately the end is inside the car. To kya hai iska culmination, mother ki surat mein we can look in the face of mother and see where this youthful, this young age, this excitement, this vitality, this growth ends in the form of that old mother. So that's the truth of this world. So this is something that Kamala Das is trying to explain. And as the poet observes her mother going through the airport security check, so next when the journey is over, they reach to Cochin airport, when the mother goes inside, she cannot help but acknowledge that her mother is now weak. तो वो देखते रहती है अपनी माँ को, और ये उसे अंदर से फिर एक एहसास आता है कि माँ कमज़ोर हो गई है. द कलर ऑफ लाइफ डाइल्यूटिंग, उसके जो ज़िंदगी का वो रंग है वो फीका पड़ गया है, जस्ट लाइक ए फीबल विंटर मून. वो तो शर्मा के उस चांद से उसकी शक्ल हो गई है दिस टाइम दो. लेकिन इस वक्त वो इसको शी इज़ नॉट ब्रशिंग असाइड. यहाँ पे इस वक्त सेकंड टाइम जब ये थॉट आती है, दिस थॉट इज़ नॉट पुश्ड अवे, इट्स नॉट पुश्ड अवे हेंस इट गिव्स राइज टू एन एक. तो इसमें एक दर्द, एक एक एक, एक वो ना हुक सी उठती है दिल में विद इन द पोइट दैट इज ऑल टू फैमिलियर. तो हम सब तकरीबन ऐसा ही महसूस करते हैं दर्द कभी कभी, हैविंग बीन अराउंड सिंस चाइल्डहुड डेज. सो व्हाट इज़ दैट, द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर. तो वहाँ पे उसको सताने लगता है वो डर कि शायद मेरी माँ की वो एज आ गई है कि शी वोंट बी विद मी परहैप्स नेक्स्ट टाइम.
सो समथिंग दैट ऑल ऑफ अस हैव फेल्ट एज किड्स, तो एज बच्चों की तरह हम सब भी कभी कभी हमें डर सताता है जब हम अक्सर बेशतर स्कूल से भी आते हैं तो सबसे पहले सडन वो एक चीख मारते हैं माँ कहाँ पे हो, सो दिस इज़ क्वाइट नेचुरल बिकॉज वी हैव दैट फियर कि वेदर माँ इज़ इनसाइड और नॉट, सो ऐसी ही एक फीलिंग यहाँ पे कमला दास भी प्रेजेंट करती है. सो इन द एंड द पोइम टेक्स ऑन द स्पिरिट ऑफ होप, लेकिन कंक्लूजन इस पोइम का एक पॉजिटिव नोट पे है, एक होप महसूस होती है एक्सप्रेस्ड थ्रू सी यू सोन अम्मा. दिस पोइम कंक्लूड्स विद दीज वर्ड्स, राइट, दस द पोइम शिफ्ट्स टुवर्ड्स अ कॉम एक्सेप्टेंस, यानी कि सारी जो सिचुएशन जो सामने है पोइम में तो वो एक्सेप्ट करती है रियलिटी ऑफ लाइफ कमला दास एंड शी रिजाइन्स, वो इसके सामने इन अदर वर्ड्स सरेंडर करती है, देन एक इमोशन क्रिएट करती है थ्रू द पोइट्स एक्शन ऑफ ब्रेकिंग इन टू अ लॉन्ग स्माइल, क्योंकि द पोइम एंड्स विद स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, सो एक स्माइल के साथ ये पोइम ख़त्म होती है कि यही है ज़िंदगी की रियलिटी और ये हम सबको देखनी है और इसी तरह हमें पास थ्रू होना है इस जर्नी ऑफ लाइफ में, राइट. सो चलिए हम अब इस पोइम का थीम जो है उस पर फोकस करने की कोशिश करते हैं. तो पोइम बिगिन्स विद द पोइट्स मदर बिसाइड हर एंड एंड्स, यानी बिगिन होती है माँ उसके साथ है, एंड्स एट ए पार्टिंग विद द होप एंड डिजायर ऑफ मीटिंग सोन अगेन, राइट. तो एक साथ होते हैं फिर जुदा होते हैं और वादा रहता है कि फिर मिलेंगे, तो यही है अगर देखें तो दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. एंड इन द मिडल, पूरी मिडल में क्या इस पोइम में क्या देखते हैं, देयर आर contrasting references to both vitality, young trees and children, and impending death, coops, worn and pale later winter moon, shedding light on the conflicts we go through while coming to terms with the fact that all springs eventually turn into winter and youth steadily progresses towards old age. So this is the biggest reality of this poem. This is the lesson, this is the message that we should take home from this poem, that it is actually all springs eventually turn into winter and youth steadily progresses towards old age. That's why the concept of children supplanting trees, pulling children, that's why they are there. These are contrasting images. This poem is indeed a thought-provoking reflection on child mother love. This is another theme, and relationships, fear of losing loved ones, Daniel and escape, pehle of nahi mante ki नहीं चाहते कि आप एक्सेप्ट करें रियलिटी को, जैसे कि कमला दास लुक्स आउटसाइड डजंट वांट टू लुक एट द फेस ऑफ हर मदर, एस्केप करना चाहती है रियलिटी से एंड क्वाइट एक्सेप्टेंस, लेकिन बाद में शी एक्सेप्ट्स द रियलिटी और शी रियलिटी इज़ लाइफ, यानी कि डीके एंड डेथ इज़ देयर, दैट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस लाइफ. सो एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थीम इफ वी सी इज दैट गेट द कॉम्प्लेक्स रिलेशन ऑफ अ डॉटर विद अ मदर एज इन द रोल ऑफ अ डॉटर, यू नो एवरी डॉटर for that matter has to face many challenges in life to strike a balance as a mother. Hamari bachiyon ko, hamari maa ko, hamari missus, in sab ko dekhte hain, to kya ya aap apni maa ko, behan ko dekhiye ki with the passage of time inko kya, they are mothers, so in mother's role, they are in daughter's role, they are in wife's role, so they experience the testing times and at times seem desperate to fulfill the expectations that are attached to their personality, right, at the different intervals of their life. तो ये एक dilemma है women folk के साथ कि बहुत सारे roles हैं और फिर सबको निभाना है, fulfill करना है, expectations are everywhere, sacrifices are everywhere, and that is how their life begins and ends, right? That's the theme. So we must respect our mothers. तो यहाँ पे I would love to conclude. यहाँ पे एक शेर मुझे समझ आ रहा है. पूछता है जब कोई दुनिया में मोहब्बत है कहाँ, पूछता है जब कोई दुनिया में मोहब्बत है कहाँ, मुस्कुरा देता हूँ मैं और याद आ जाती है माँ. सो आई थिंक दिस इज अ ट्रिब्यूट टू आवर मदर्स एज वेल दिस पोइम, राइट. देन आई वुड लव यू पीपल, बच्चों ऑफ यू क्वेश्चंस पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके इनको रिस्पॉन्स रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए, राइट. तो क्या है हमारे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस, अगर आपको पोइम समझ आई है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. द फर्स्ट वन गोज लाइक दिस, व्हाट इज द पेन एंड फियर द पोइट फील्स. तो यहाँ पे कुछ पेन डर पोइट महसूस करते हैं, क्या है वो,
What do the poet's parting words and smile signify? Last में poet smile and smile, तो ये parting words use होना मान, तो ये signify क्या कर, क्या चीज, क्या आप समझती हो इन lines, इन words? List the contrasting words and phrases present in the poem. यहाँ पे बहुत ज़्यादा comparison और contrast है, बाहर के हालात और अंदर गाड़ी के हालात में. तो वो दोनों को आपस में एक list करके comparison कीजिए, कौन से वर्ड्स जो हैं एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट कर रहे हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज ओल्ड चाइल्डहुड एक, तो उस पर हमने बात की थी, तो वो आप बताइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए कि व्हाट इज दिस ओल्ड चाइल्डहुड एक. तो ट्रांसपोर्ट द पोइम इन पिक्चर फॉर्म, जहाँ पे भी इमेजरी आपको इस पोइम में नज़र आती है तो उसको आप स्केच कीजिए, ट्राई कीजिए कि उसको आप बना दें, क्या क्या आप देख रहे हैं, जैसे सुपरेंडिंग ट्रीज, पुलिंग चिल्ड्रन राइट, एंड ओल्ड डाउजिंग माउथ ऑफ द ओल्ड मदर एंड ऑल दैट, है ना. लिस्ट द पोएटिक टेक्निक्स प्रेजेंट इन द पोएम विद एक्सप्लेनेशंस, तो यहाँ पे बहुत सारी पोएटिक टेक्निक्स की हमने बात की, उनको लिस्ट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए और उनको एक्सप्लेन भी कीजिए कि है क्या है, राइट. सो दैट इज ऑल अबाउट द पोएम, राइट. विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच.